नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौर और जयवर्धन न्यूज़ डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म का जिंदा सच। जी, पुनर्जन्म की इस सत्य घटना ने राजस्थान व भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरत में डाल दिया। पुनर्जन्म पर हमेशा ही अंतहीन बहस होती आई है। इस पर कई लोग पुनर्जन्म को मानते हैं तो कई लोग अब भी संदेह में हैं। विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिक भी कोई स्पष्ट मत नहीं रखते, लेकिन हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं। इसके अनुसार आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं, यही पुनर्जन्म है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। शास्त्रों के अनुसार नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम क्लदयत्यापो न शोषयति मारुतम। इसका अर्थ है आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती हैं, न जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती हैं। हम अज्ञानता में अपने शरीर को ही सर्वस्व मान लेते हैं, जबकि हम शरीर नहीं आत्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसी का जीता जागता उदाहरण है राजसमंद के शिक्षक राकेश गौड़। कहानी की शुरुआत करते हैं राजस्थान के टोंक जिले के काफला बाजार दरवाजे के अंदर काली पलटन के तत्कालीन कांग्रेस नेता व फर्नीचर व्यवसायी विठल दास सुथार। वे शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके टोंक व बूंदी जिले में फर्नीचर का बड़ा कारोबार था। वर्ष 1941 में स्टाइलिश फर्नीचर एंड मोटर के नाम से बड़ी फर्म थी और उस जमाने में उनके पास एक कार और वह एक मोटरसाइकिल भी थी। 15 अगस्त 1955 को टोंक में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब उनके घर के बाहर बारिश की वजह से पानी भर गया। उस पानी की निकासी के लिए विठल दास ने लकड़ी से रास्ता बनाना चाहा, तभी बारिश की वजह से गीली लकड़ी नीम के पेड़ से लटक रहे करंट के तार से स्पर्श कर गई। इस कारण करंट से विठल दास की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिर करीब 14 साल बाद 15 मार्च 1969 को राजसमंद जिला मुख्यालय पर डाकघर में कार्यरत पोस्टमास्टर सत्यनारायण गौड़ के घर एक बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम राकेश रखा गया, जो आज भी कांकरोली में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तथा पिछले जन्म का परिवार टोंक व बूंदी जिले में हैं और आज वे दोनों ही जगह के परिवारों के रिश्ते निभा रहे हैं। खास बात यह है कि टोंक जिले में वे एक सुतार थे जबकि राजसमंद में गौड़ ब्राह्मण हैं, फिर भी उनके रिश्ते में कभी जाति बाधक नहीं बनी। इस तरह पुनर्जन्म की घटनाएं हमारे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने व सुनने को कई बार सामने आई और इसके कई प्रमाण भी मिले। आधुनिक युग में विज्ञान की उन्नति ने आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि की मान्यताओं को गहरी चोट पहुंचाई है। विज्ञान तर्क व प्रमाण पर आधारित हैं और चूंकि इसके प्रमाण बहुत कम मिल पाते हैं, इसलिए सामान्यतया कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म की मान्यता पर विश्वास नहीं करता। हिंदू, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जबकि इस्लाम व ईसाई धर्म इसे नहीं मानते। वर्तमान में कई वैज्ञानिक इस तरह की घटनाओं पर शोध कर रहे हैं और उन्हें पुनर्जन्म के कई प्रमाण मिले हैं। कांकरोली में राकेश गौड़ के पुनर्जन्म की कहानी भी बहुत बड़ा प्रमाण है, जिस पर भारत के साथ अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी करीब 15 वर्ष तक लगातार शोध किया। राकेश 5 से 6 वर्ष की उम्र में घर परिवार को यह कहने लग गया था कि उसका घर यहाँ नहीं है, वह तो टोंक जिले का रहने वाला है, ये लोग उसे लेकर यहाँ आ गए हैं। स्कूल में पढ़ने जाता तब भी शिक्षकों को इस तरह बोलकर सबको हैरत में डाल देता। स्कूल में शिक्षक का एक बार स्टूल टूट गया तो राकेश ने एक कुशल कारीगर की तरह उस स्टूल को तत्काल ठीक कर दिया। 1 से 5 तक की पढ़ाई के लिए भी उसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पहले से ही खुद ब खुद किताब पढ़ने लग गया था, फिर गणित के सवाल भी चुटकी में हल कर देता। इस तरह की कई घटनाओं ने न सिर्फ परिजनों को बल्कि शिक्षकों और आस पड़ोसियों को भी चौंका दिया था। लोगों द्वारा बार बार यह कहने पर कि टोंक जिले में आखिर क्या ये पुनर्जन्म की सच्ची घटना तो नहीं, इसका पता लगाया जाना चाहिए। इन सभी घटनाओं से प्रेरित होकर
मास्टर पोस्ट मास्टर सत्यनारायण गौर उनके बेटे राकेश को लेकर हकीकत जानने के लिए टोंक जाने के रवाना हुए। उस वक्त 1973 में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, फिर भी वे राजसमंद से बस द्वारा जयपुर पहुंचे, जहां से दूसरी बस पकड़कर सूर्यास्त के समय टोंक बस स्टैंड पर उतरे। चूँकि पिताजी के मन में अब भी कुछ संशय बना हुआ था, सोचा पोस्ट ऑफिस चलते हैं, वहाँ से ही किसी पोस्टमैन से राकेश द्वारा बताई जा रही गली मोहल्ले के बारे में पुष्टि कर लेंगे। वे पैदल पैदल ही राकेश के साथ डाकघर पहुँचे, जहाँ किसी साथी कार्मिक की का विदाई कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए शाम 6:30 बजे तक भी दफ्तर खुला था। वहीं पिताजी सत्यनारायण गौड़ के परिचित अधिकारी वहाँ मिल गए। उन्हें जब राकेश की कहानी सुनाई तो उन्होंने उस क्षेत्र के पोस्टमैन को बुलाकर पूछा, तो पोस्टमैन ने काफला बाजार में सुथार परिवार में विठल दास सुथार के नाम की पुष्टि कर दी। यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए और वे भी जिज्ञासावश वास्तविकता जानने के लिए राकेश के साथ पैदल ही काफला बाजार की तरफ चल पड़े। आगे 7 साल का राकेश रास्ता बताते हुए चल रहा था, तो पीछे पीछे एक साथ 30 से 40 लोगों का हुजम चल पड़ा। सड़क पर एक साथ भीड़ को देखकर हर कोई कारण पूछते हुए साथ होते गए। राकेश ने रास्ते में क्रॉस होते हुए साइकिल रिक्शा में बैठे अपने बड़े पुत्र भंवर को पहचान लिया और पिताजी को बताया, वह मेरा बेटा जा रहा है। फिर भी पिताजी सत्यनारायण ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि साइकिल रिक्शा तेज गति से क्रॉस होकर चला गया। फिर वे जैसे ही घर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। पड़ोसी ने कहा, भंवर की पत्नी बीमार होने से जयपुर अस्पताल में भर्ती हैं और भंवर भी अभी जयपुर के लिए रवाना हुआ है। तभी राकेश ने उसके घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी पहचान लिया। घर पर कोई नहीं था तो वापस डाकघर पहुंच गए। तब तक विठल दास के पुनर्जन्म होकर छोटे बच्चे के रूप में पुनः टोंक आने की खबर आग की तरह बाजार में फैल गई। इस पर सैकड़ों की तादाद में लोग डाकघर के बाहर एकत्रित हो गए। यह बात टोंक में ही विठल दास के ससुराल में रह रही पत्नी को भी पता चली, तो वह अपने आप को नहीं रोक पाई और तुरंत दौड़कर डाकघर पहुंच गई। पत्नी को देखते ही राकेश भावुक हो गया और नाम पुकार कर परिवार का हालचाल पूछा। करीब 20 वर्ष पूर्व इस संसार से विदा हुए अपने पति को एक छोटे से बालक के रूप में देखकर वह भी भावुक हो गई। इस पर राकेश व पूर्व जन्म की पत्नी की आंखों में आंसू छलक पड़े। तभी राकेश ने पिताजी को कहा, वह अब उसकी पत्नी व बच्चों के साथ ही रहेगा, जिसे सुनकर पिताजी की भी असमंजस में पड़ गए। इस दृश्य को देखकर सैकड़ों की भीड़ भी चकित रह गई। उस वक्त 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगा रखा था। कहीं भी 4-5 से अधिक लोगों का एक साथ खड़े रहना भी वर्जित था। ऐसी स्थिति में सैकड़ों की भीड़ जब डाकघर व उसके बाहर एकत्रित हो गई तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। भीड़ को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। पुलिस ने राकेश के पिताजी को बुरी तरह से डांट लगाई कि ऐसा था तो पहले पुलिस थाने में सूचना देनी थी। फिर पुलिस द्वारा भीड़ से समझाइश की गई। अभी रात के 11 बज चुके हैं और बच्चा थक गया है। यह बच्चा कल दिन भर यहीं रहेगा और हर एक व्यक्ति से मिलेगा। अभी आप अपने अपने घर चले जाएं। तब धीरे धीरे भीड़ तितर बितर होने लगी। जब भीड़ जा चुकी थी तब पुलिस ने राकेश के पिताजी को कहा कि रात 12 बजे की बस सीधी कांकरोली जाती है, जिससे आप चले जाएं, वरना अभी रात को इतनी भीड़ है तो कल दिन में इससे 4 गुना भीड़ हो जाएगी। वक्त का तगाजा समझकर राकेश को लेकर पिताजी रवाना हो गए और सुबह कांकरोली पहुंच गए। इस तरह पुनर्जन्म के रहस्य से पर्दा उठ गया। फिर राकेश के पुनर्जन्म पर राजस्थान विश्वविद्यालय के पैरा मनोविज्ञान विभाग द्वारा शोध शुरू किया गया। यहाँ की रिपोर्ट के बाद अर्जिनिया यूनिवर्सिटी के सतवंत के पसरीजा डेविड रिट बार्कर द्वारा वर्ष 1973 से 15 वर्ष तक लगातार शोध किया। फिर उनके द्वारा प्रकाशित यूरोपियन जनरल नामक पुस्तक में राकेश के पुनर्जन्म का जिक्र किया है। अब राकेश गौड़ कांकरोली में ही रह रहे हैं। उनके पिता सत्यनारायण का निधन हो चुका है। अभी यहाँ छोटे भाई पत्नी व बच्चों के साथ कांकरोली में हैं, जबकि मुंदी व टोंक में भी उनके पोते और पड़पोत्र का परिवार हैं। अब वे दोनों जन्मों के रिश्ते किस तरह निभा रहे हैं और पुनर्जन्म की वजह से राकेश को किस तरह की दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ी, क्या क्या परेशानियां हुई,
7 वर्ष का बच्चा राकेश जब पूर्व जन्म की 55 वर्ष की पत्नी के साथ रहने पर अड़ गया था, तब कैसी विचित्र स्थिति बनी होगी। कुछ इसी तरह कई रहस्यमयी और दिलचस्प वाक्यों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। राकेश गौड़ व उनकी पत्नी के साथ परिवारजनों का भी विशेष साक्षात्कार होगा। अब यह साक्षात्कार देखिए एपिसोड 2 में।